नमस्कार, मैं आदित्यराज शर्मा, स्वागत है आपका बाबा राष्ट्रीय न्यूज में। चलिए अब चलते हैं खबरों की तरफ। प्रकर आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने वार्ड में जोर शोर से चुनाव प्रचार को लेकर लगे हुए हैं। वही वार्ड 69 से जेडीयू के प्रत्याशी श्रीकांत गोप भी सोमवार को चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 69 के होम पाइप इलाके में लोगों से जनसंपर्क साधा। उन्होंने लोगों से घर घर जाकर इलाके के विकास को लेकर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की। प्रत्याशी श्रीकांत गोप ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में पहली बार आया हूं और वार्ड 69 से जेडीयू की ओर से उम्मीदवार बना हूं। मेरा मकसद है कि इस वार्ड में आपके सहयोग से अगर विजयी बना तो आपके बीच रहकर इलाके के विकास के साथ हर मूलभूत सुविधाओं को आप तक पहुँचा सकूँ। आप मुझे तीर धनुष में 6 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से जीत दिलाए ताकि आपके बीच आपके साथ रहकर आप सबों का सेवा करने का एक बार मौका प्राप्त हो। नमस्कार, मैं श्रीकांत गोप यादव आपके आसनसोल नगर निगम चुनाव के 69 वार्ड से खड़ा हुआ हूँ इस बार चुनाव में। कृपया आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करें, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं जेडीयू प्रत्याशी श्रीकांत गोप यादव वार्ड नंबर 69 से, तीर धनुष मेरा छाप है और आप लोग 6 नंबर बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों में विजय बनाए। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।